ऐसे स्ट्रेचिंग वाले आसन ना प्रेगनेंसी में जरूर करने चाहिए, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। वैसे अब ऐसे आसन तो सीरियल ये उन दिनों की बात है कि नैना को करने चाहिए। नैना ये आसन ट्राई करो ना, और घर के कामकाज की टेंशन मत लो, उसके लिए तो है ही ना समीर। नैना की गुड न्यूज, समीर बनेंगे पापा, ससुर जी का स्यापा। अरे अरे यार नैना, ये क्या जुल्म है यार, तुम घर का सारा काम मुझसे करवाओगी? और नहीं तो क्या समीर, प्रेग्नेंट मैं हूँ या तुम? हाँ पर मैं तो यहाँ यार एक्टर बनने आया हूँ ना नैना। हाँ हाँ मेरे सुपर हीरो, बन जाना एक्टर, बन जाना स्टार, बन जाना, पर पहले पापा तो बन जाओ। हाँ अरे यार ये क्या मुसीबत है। चलो चलो अब ज्यादा नाटक नहीं, बहुत काम पड़ा है समीर, बर्तन साफ करने हैं, खाना बनाना है, और फिर मुझे अपने हाथों से खाना भी तो खिलाना है। आखिर अगर तुम मुझे अच्छे से खिलाओगे तभी तो हमारा बेबी तुम्हारी तरह एकदम क्यूट क्यूट सा होगा, है ना? क्या यार नैना, मैं तो यहाँ एक्टर बनने आया था और तुमने मेरा कैरेक्टर ही चेंज कर दिया। भाई यहाँ घर के अंदर तो चल रही है मियाँ बीबी की नोकझोंक, लेकिन बाहर ससुर जी पूरी सोसाइटी में लड्डू बांट रहे हैं, दादा जो बनने वाले हैं। जो भी मिल रहा है सोसाइटी के मेंबर्स को बांट रहा हूँ, और जो भी मिल रहा है रास्ते में, क्योंकि खुशी का कोई ऐसा तो है नहीं कि बाउंड्री हो, जो मिल रहा है उसमें खुशी बांट रहा हूँ। अरे पापा जी ये क्या कर दिया, पिक्चर रिलीज होने से पहले ही ढोल पीट दिया, भूल गए क्या समीर और नैना यहाँ पति पत्नी नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह रहते हैं। अब बधाइयां नहीं, अब समीर और नैना की गालियां सुनिए। थोड़ा दूर हो जाए, लेकिन ठीक है अब ये इतनी बड़ी खुशी है कि इसको छुपाया भी नहीं जा सकता, बट हमने मैनेज कर लिया जैसा मैंने बोला। अच्छा हुआ जो मैनेज कर लिया, नहीं तो समीर आपको बिना टिकट अहमदाबाद भेजने ही वाला था। लेकिन जो भी हो, खुशखबरी की बात है, नन्हा मेहमान जो घर आने वाला है अपने पापा समीर को सुपरस्टार बनता हुआ देखने के लिए, अगर आगे कोई ट्विस्ट नहीं आया तो। मुंबई से श्रुति बरजात्या के साथ आज तक ब्यूरो।